عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. डायमंड डॉल शेफ फजाला के चैनल से आप तमाम मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मेरे दिल से करीब, बहुत ही मेरे अच्छे और बहुत ही मेरे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, और मेरी भुआई यानी मेरी यूट्यूब फैमिलीज मरहबा। आज का जो मेरा लॉग है, जैसे कि आप लोगों को मेरी कुछ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट्स जो चीज़ें हैं जो कि मैं नॉर्मल अपनी रूटीन में यूज़ करती हूँ माशाल्लाह, तो वो जो हैं आज आपके सामने नज़र आ रही हैं। जैसा कि मैं दिखाती चलूँ, मेरे शैम्पू, मेरे कंडीशनर, मेरे बॉडी जो लोशंस वगैरह होते हैं, और जो डिओड्रेंट है, और फेस वॉश, जो कि माशाल्लाह तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो माशाल्लाह तबारकल्ला, तो मैं फर्दन फर्दन ये चीज़ें दिखाती चलूँ। जो ये हमारा ये माशाअल्लाह ये मेरे डॉव का जो है ये कंडीशनर है, और ये जो है माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होता है। ये मेरा शैम्पू है डॉव का, और ये भी माशाअल्लाह बहुत ही इसका जो है ये अभी एंटी डैंड्रफ, चूँकि सर्दियाँ हैं तो काफ़ी जो है वो डैंड्रफ का मसला होता है, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू। ये हमारी वैसलीन जो कि नज़र आ रही है माशाअल्लाह। ये हमारा दूसरा शैम्पू है, और ये हमारा जो है ये माशाअल्लाह पॉन्ड्स का जो है ये हमारा ये माशाअल्लाह मैजिक यानी सहर, और ये फ्रेशनेस टैल्कम पाउडर है। पौधरा अल इंतआश, यानी अरबी में मैंने बताया कि पौधरा अल इंतआश, यानी कि बहुत ही इसका जो फ्लेवर जब हम लगाएं तो मुझे बहुत ज़्यादा जो फ्रेशनेस फील होती है। अब यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ जो कि मेरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमारा डॉव शैम्पू, और इसी तरह ये मेरी डॉव जो है ये बॉडी केयर यानी कि करीम और जमाल ब्यूटी क्रीम है। ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, और ये डॉव माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो चूंकि मैं डॉव का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये हमारा जो है जॉन्सन जो है उसका ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रोज़ का जो है ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फेस वॉश, और ये जो है ड्यूड्रन है। तो ये जो मेरी खुद की नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, तो माशाअल्लाह ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल आजकल वैसलीन, जो कि सर्दियाँ बहुत यहाँ जद्दा में भी हैं, तो नॉर्मल डेज़ में जो है हम 2 से 3 दफ़ा इसे लगाते हैं, और उसके बावजूद भी हमारी स्किन ऐसी होती है कि जैसे बिल्कुल ड्राइनेस हो। और माशाअल्लाह ये मैंने आपको शैम्पू ये डॉव का जो है ये नया अभी एक इसका आया है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेशनेस फीलिंग होती है जब हम अपने बालों में इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये हमारा दूसरा जो है नॉर्मल ये है डॉव का, ये भी हमारा शैम्पू जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जो है डेली केयर और 2 इन 1 है, यानी कि इसमें कंडीशनर भी है और इसमें शैम्पू भी है, तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, यानी कि ये 2 इन 1 है ये। और यहाँ पर भी जो है ये दोनों मेरे कंडीशनर हैं, ये भी डॉव के हैं। तो जैसा कि मैं दिखाती चलूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत सा शोपीस है, तो ये जो है माशाअल्लाह, जैसा कि मैं इसका क्लोजअप लूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसके अंदर क्लॉक जो है ये छोटी सी घड़ी है माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर ये घड़ी लगी है, और ये ईरान का है ये, और ये पूरा हॉर्स बना हुआ है। तो मैं अपने शो पीस में इसे ज़रूर रखती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती और प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, और जो है देखने में भी जो हम चीज़ें रखते हैं उन्हें देखते हुए हमें अच्छा लगे। तो आज मेरे जो जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो कि नए अगर मेरे चैनल पर हैं, तो उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, और बहुत शुक्रिया जज़ाकल्ला खैर कि आप लोग जो हैं माशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी यकीनन कर रहे होंगे। तो मेरे दिल से दुआएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोग जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, शाज़ो आबाद रखे। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो मेरे प्रोडक्ट हैं डॉव के, शैम्पू कंडीशनर 2 इन 1 भी है, और ये ओनली शैम्पू भी है, और ये मेरे कंडीशनर हैं, और ये वैसलीन है, ये माशाल्लाह यहाँ पर फेस वॉश है, ये हमारा डॉव जो है ये भी हमारी क्रीम है, ये हमारा ड्यूड्रन है।
तो ये नॉर्मल जो कि हम डेली वेजेस यानी कि रोजाना की ही ये हमारी यूज में ये मेरी चीजें आती हैं। तो जरूर आप लोग जो है यकीनन डॉव जो है हमारा प्रोडक्ट उसे यूज करते होंगे, जिसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही औसम और बहुत ही फ्रेशनेस फीलिंग आती है। तो ये जो वैसलीन है ये भी बहुत ज्यादा जो है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इसका जो वो है, अगर हम इसे 2 से 3 दफ़ा नहीं लगाएं, सिर्फ दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही अगर यूज़ में आए, तो इसका हमारा जो है फ्रेशनेस, हमारी जो स्किन है फील होती है, और बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं है कि हम इसे बार बार लगाएं। नॉर्मल जो दूसरी क्रीम है उनके लिए होता है कि भाई ड्राइनेस है तो आप उसे रोज़ाना के तौर पर लगाएं। तो आज मैं यही एक अच्छी बात कहूँगी कि माशाल्लाह जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, शाजो आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने बड़ों का ख्याल रखें। तो एक अच्छी बात के साथ दोबारा जो है मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अभी यहाँ सऊदी अरब में 4 बज रहे हैं, यानी कि 1 से 1.5 घंटे बाद हमारी फजर हो जाएगी। क्योंकि मुझे इसी वक्त मैं फ्री होती हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम इस वक्त ईजीली होता है, और घर के जो लोग दूसरे मेरे माशाल्लाह मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटे हैं वो इस वक्त सो रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही होता है, वो इंजॉय करता है कि मैं भी जब मामा लॉग बनाए तो मैं उनके साथ रहूं। और जो है माशाल्लाह तबारकअल्लाह बेटी जो है वो मेरी वो वीडियो बनाती है। तो हमारा ये होता है कि हम इस वक्त थोड़ा फ्री होते हैं, मुझे टाइम इसी वक्त मुझे थोड़ा फ्री मिलता है, तो मैं इस तरह जो इसी वक्त मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलायबल और थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, तो इसलिए ये मेरा टाइम रोज़ का ही तकरीबन हो जाता है। तो तकरीबन अभी यहाँ पर जो है 4 सऊदी अरब में बज रहे हैं रात के, यानी यहाँ तहज्जुद कह सकते हैं कि कुछ देर बाद या 1 से 1.5 घंटे बाद जो हमारी फजर की अजानें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नाम से मैं शुरू करती हूँ। ऐ परवरदिगार, हम सब पर अपने खैर के दरवाजे खोल दे, हर परेशानी और मुश्किल को दूर फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबह बखैर, सबह है नूर। चूँकि ये सुबह का टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये वक्त बताऊँ कि अभी जो है सुबह का टाइम है, और यहाँ पर सबह है नूर कहा जाता है या सबह अल खैर कहा जाता है। तो इसके साथ ही मैं बारगाह इलाही में बवक्त सहर आपकी इज्जत सलामती और दायमी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। मालिक अर्ज़ व समा आपका हमेशा निगहबान हो। आपकी इज्जत सेहत और कामयाबी को अल्लाह ताला बहुत अच्छा आप लोगों को रहम और करम अता फरमाए। या रब्बुल इज्जत, या रब्बुल इज्जत, हर मर्ज़ फर्ज़ रसवाई तंगदस्ती और नागहानी आफत से बचाए। आप तमाम लोग जो है बख़ैर व आफ़ियत रहें, जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में जिस जिस मुल्क में मुझे देखा जा रहा है सुना जा रहा है, तो उन सब के लिए जो है मैं यही पैगाम दूंगी। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सुबह से जो सुबह शुरू होती है उस वक्त से जो मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हैं, तो वक्त फजर और तो वक्त जो दूसरे आने वाला जो एक दूसरा दिन शुरू होता है उस वक्त तक के लिए मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। और जो जो जहाँ हैं उन सबको अल्लाह ताला खुश रखे, शाजो आबाद रखे। अपने घरों में आप खुश रहें, शाजो आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपने इस बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही प्यारे इस ब्लॉग से, जिसमें मैंने अपनी तमाम वो चीज़ें शेयर की जो कि मैं नॉर्मल जो है वो यूज़ करती हूँ, और इन्हें अपने डेली रूटीन में जो है इसे अपना जो है मेरा एक नॉर्मल जो मेरी ये चीज़ें हैं तकरीबन, ये शैम्पू कंडीशनर, और चूँकि सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा ही हमारी जो है आजकल ये जो हमारी जो लोशंस वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज़ में हमारे आ रहे हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो इजाज़त चाहती हूँ इंशाल्लाह अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।